नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल रंगीन रहा है, ये रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टार्डम। दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला, खास इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत से लोग जो काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो टीवी पे भी काम करते हैं और प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, तो उनको बहुत से ज्ञान हो जाता है कि किस कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे किया जाए। तो बहुत से मेरे दोस्त जो एक्टिंग के फील्ड में भी है लेकिन वो कभी कभी प्रोडक्शन में भी चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, तो उनको मालूम है कि ईपी यानी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनना कितना अच्छा और कितना बहुत अच्छी बात है। कि ईपी बनना मतलब क्या है, खुद एक प्रोड्यूसर ही हो जाना, प्रोड्यूसर के बदले जो रियल प्रोड्यूसर है उसके बदले जो भी काम करता है उसे ईपी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। तो उसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है पूरा, लेकिन होल एंड सोल इंचार्ज होते हैं, पूरी शूट का इंचार्ज होता है, जिस दिन शूटिंग होता है उस दिन का इंचार्ज होता है। तो दोस्तों उसके बारे में आज बताऊँगा। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि सर ये मुझे दो तीन वीडियो ये भी आए हैं इंक्वायरी कि सर ईपी यानी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कैसे बना जाता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए एजुकेशन कितना होना चाहिए। दोस्तों ये मैं कहूँगा उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका अनुभव ही आपका एजुकेशन है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में आप अगर रहोगे तो उसके ईपी आप बनोगे तो सब हॉल एंड सोल इंचार्ज आप ही रहोगे, शुरू से लेके अंत तक जब तक शूट हो जाए, या तो जो शूट किया हुआ सभी चैनल पे चला जाए तब तक के लिए सब उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर शुरू से कहा जाए तो ईपी का काम क्या होता है वो पहले से मैं बताता हूँ। जैसे आप किसी प्रोडक्शन हाउस में हो और वहाँ पे काम कर रहे हो तो उनके जो भी प्रोडक्शन होते, जो भी टीवी सीरियल्स या जो भी वेब सीरीज या जो भी बनता है उसके लिए एक जानकार आदमी होता है जो कि सब कुछ अरेंज करता है, लोकेशन से लेके कहाँ कहाँ पे कौन कौन आर्टिस्ट है, क्या क्या है, सबका वही ये करता है। वो सभी को बुलाता है, लोकेशन पे बुलाता है, कहाँ कहाँ लोकेशन है, कौन सा लोकेशन सही है। और प्रोड्यूसर समझ लीजिए कि एक खुद ही प्रोड्यूसर है, क्योंकि प्रोड्यूसर सब जगह जा नहीं सकते तो वो अपने आदमी को भेज देते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से सीरियलों में उसमें नाम ईपी भी आता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। उसका काम होता है पूरा प्रोडक्शन बनाना, प्रोडक्शन का शूट करना, प्रोडक्शन में हाउस से जब भी शूट हुआ सभी आर्टिस्टों को पेमेंट का सब रिक्वायरमेंट जो भी मिलना है वो सब उनको देखना पड़ता है, लोकेशन देखना पड़ता है, और वहाँ से लेके प्रोडक्शन हाउस में या तो फिर डायरेक्टर का जो भी एडिटिंग हो जाए वो वहाँ से होके हुए वो जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट चैनल पे भेजना, वो सब इसकी जिम्मेदारी होती है। बहुत बड़ा काम होता है लेकिन उसके लिए अच्छी सैलरी भी मिलती है। बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो ईपी है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है उनका नाम है, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने के बाद आगे बढ़ सकते हैं, खुद प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं क्योंकि उनको अनुभव तो हो जाता है। बहुत से प्रोड्यूसर्स के जो काम है वो प्रोड्यूसर खुद नहीं कर पाता या तो वहाँ पर पहुँच नहीं पाता, तो उसके लिए ईपी ही काम करता है। तो ईपी यानी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स का बहुत ही काम है और जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम इसलिए है क्योंकि उसको सभी को संभालना पड़ता है, शुरू से लेके अंत तक शूट हो जाए, कैमरामैन को संभालना है, आर्टिस्टों को संभालना है, वहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन का संभालना है, सब कुछ संभालना है, यानी सब कुछ उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके अंडर में सभी कुछ, सभी जो भी रिक्वायरमेंट्स या जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब उसी के अंडर में होते हैं और यही जिम्मेदार होता है उसके लिए। तो उनका और प्रोड्यूसर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो जैसे जिस तरीके से प्रोड्यूसर्स के जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो ईपी यहाँ पे भेजता है और सभी को उसी टाइप से काम करना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत जिम्मेदारी का काम है, शुरू से लेकर जैसे कि शूट शुरू हुआ, लंच हुआ, लंच में सबको खाना ये सब मिलना चाहिए, सभी का ख्याल रखना पड़ेगा, सभी के ड्रेसमेंट को भी ड्रेस का भी ख्याल रखना पड़ेगा और सबके कंटिन्यूटी भी, वो जो कंटिन्यूटी लिखने वाला है उसे भी देखना पड़ता है। यानी प्रोड्यूसर्स के लिए जितना जल्दी ये शूट कर सकता है तो प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा ये है कि उसके पैसे भी बचते हैं और उस वो हर जगह पहुंच नहीं सकता प्रोड्यूसर, तो इसके लिए ईपी का ही काम ये होता है। तो दोस्तों ईपी का काम
आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, लेकिन किसी एजेंसी या तो किसी प्रोडक्शन हाउस से आप जुड़े रहोगे उसके बाद ही आपको ईपी बनने में मिलेगा। ईपी बनने से अच्छा एक फ़ायदा है कि आप प्रोडक्शन प्रोड्यूसर भी बन सकते हो, आगे जाके आपके रिलेशन होते हैं और शूट में भी आपको सब कुछ मालूम होता है। तो अगर आप एक्टर हो तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और आपको मालूम भी रहेगा, डायरेक्टर लोग भी उससे भी पहचान होती है। तो दोस्तों यही होता है ईपी का काम। मिलते हैं ऐसे ही, मिलते रहिए मेरे साथ, मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। और मैं जो भी आपके जो भी प्रश्न है वो नीचे लिखिए, मेरा ईमेल आईडी भी है उस पर भी लिख सकते हो, और जो भी आपको पूछना है, जिस विषय में आपको पूछना है वो सब आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। दोस्तों सबसे पहले एक बात कहूँगा, हाँ सही बात आपने पहचान लिया, मैंने जो नीचे मेरा जो लोगो है रंगीन रहे का, उसमें अगर आप आज नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे, तो मेरा लोगो है वहाँ पे, जो लाल बटन है वो दबा दीजिए, बाजू का बेल बटन भी दबा दीजिए, ऑल पे दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो जो भी बनेगी वो आपको पहले देखने मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, हमारा आपका साथ बहुत आगे तक जाने वाला है। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में, आपका मेरा साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों चलो साथ है।